स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम सेलिब्रेट करेंगे येलो कलर डे, पीले रंग का दिन। अभी समर सीजन चल रहा है और गर्मियों में हम बच्चों का फेवरेट फ्रूट मैंगो, आम आता है जो पीले रंग का होता है। सूरज जो हमें गर्मी देता है, रोशनी देता है, उसका रंग भी तो येलो ही होता है। ये देखिए स्टूडेंट, हमने कितनी सारी येलो कलर्स की चीज़ें अपने घर में से इकट्ठा की हैं। इनमें से कई चीज़ें आपके घर में भी होंगी, जैसे हल्दी। हम खाने में हल्दी डालते हैं तो हमारा खाना पीले रंग का हो जाता है, जैसे दाल है, कड़ी है, सब्जी है। ये देखिए पीली दाल, चिप्स, मैगी, बेसन और कुछ खिलौने जैसे बैट है, बॉल है, पजल्स हैं और कॉपी है। ये देखिए, ये है हमारे फेवरेट मैंगो और कुछ नींबू भी रखे हुए हैं। ये देखिए बच्चों, स्माइली है, लायन है, मैंगो है, कॉपी है, बेसन है, टॉफीज है, नमकीन है, मैगी है, नटखट है, रस है, कार है, विम लिक्विड है, डक है, हींग है। ये देखिए सब हमारे घर में येलो कलर की थी, तो ये मैंने सारी इकट्ठी करी है। ये देखिए, और हम स्कूल बस में जाते हैं वो भी येलो कलर की होती है, और हमारे घर में ड्रेसेस तो येलो कलर की होती हैं बहुत सारी। ये देखिए, देखिए सन, सनफ्लावर, डक, नेट, मैट, यहाँ कप, बनाना, मैंगो, बस, लायन, ये देखिए सब येलो कलर का है, पीले रंग का है। अभी शौर्य और सात्विका पीले रंग की ड्रेस पहनकर तैयार होने वाले हैं और वो खाएंगे येलो कलर का मैंगो, और उसके बाद हम करेंगे बहुत सारी एक्टिविटीज येलो कलर से रिलेटेड। तो ये देखिए बच्चों, हमने ये रखा है येलो कलर का सामान बहुत सारा, आप भी अपने घर में देखेंगे जो सामान, तो आप उसे इकट्ठा करके लाएंगे, ठीक है। और अब हम करने वाले हैं थोड़ी देर में एक्टिविटी। ये देखिए शौर्य एंड सात्विका आ गए हैं अपनी येलो ड्रेस में। हेलो और शौर्य और सात्विका क्या खा रहे हैं? मैंगो, बच्चों के फेवरेट पीले रंग के आम। कैसे लग रहे हैं? अच्छे। आप सभी बच्चों को भी आम बहुत स्वाद लगते होंगे। आम की हम चटनी बनाते हैं, अचार भी बनाते हैं, और आम का हम मैंगो शेक भी बनाते हैं, और मैंगो को हम ऐसे भी खाते हैं। तो आम से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। आप अपनी मम्मी पापा से पूछ सकते हैं कि हम आम से कितनी सारी रेसिपी बना सकते हैं। अब शौर्य और सात्विका कर रहे हैं येलो कलर की डो से एक्टिविटी, जिसमें सात्विका बना रही हैं गोल गोल पीले रंग के लड्डू और शौर्य बना रहे हैं पीली पीली जलेबी, मीठी मीठी। तो पहले शौर्य ने देखिए गोल लड्डू ही बना लिए हैं और अब उन्हें स्पाइरल कर रहे हैं जलेबी की तरह, और सात्विका के भी लड्डू तैयार हो रहे हैं। डो की एक्टिविटी से बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, जो राइटिंग स्किल्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों को डो के साथ खेलना वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, उससे अलग अलग शेप्स बनाना, और जब बात मिठाई की हो तब तो बच्चों को बहुत ही मजा आता है। तो ये देखिए सात्विका के भी लड्डू तैयार हो रहे हैं। हाँ, सात्विका का एक ही लड्डू बचा है, और शौर्य आप भी अपनी जलेबी बना दो। इस तरीके से हम बच्चों
से एक्टिविटी करा लेंगे। हमारा जो खाना होता है वो भी पीले रंग का ही होता है, चाहे वो लड्डू हो, जलेबी हो, सब्जी हो, दाल हो, कड़ी हो, हलवा हो। देखिए हाँ, नमकीन, फल भी पीले हैं, पीले आम है, केला है, पपीता, नींबू, दाल भी। तो इस तरीके से हम बच्चों को दो की एक्टिविटी करा देंगे। तो दिखाओ सात्विका के लड्डू। सात्विका कितने लड्डू बनाए आपने? ये एक और ये दो और ये पांच। एक दो और पांच बताया तो आपने, ठीक है पांच, बट एक दो तीन चार पांच और अभी हो गए पूरे छह। कितने हो गए? सिक्स लड्डू बन गए। और शौर्य की कितनी जलेबी बन गई है? दो। और शौर्य की तीसरी जलेबी बनने को तैयार है। तो शौर्य की भी हो गई एक्टिविटी और सात्विका की भी हो गई। तो इस तरीके से एक्टिविटी हमें करानी है अपने बच्चों की। ये देखिए, अब हम करने वाले हैं पीले रंग की राइम। तो रेडी शौर्य एंड सात्विका? मुझे पसंद है पीला पीला आम, 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 मुझे पसंद है पीले पीले लड्डू, मुझे पसंद है पीले पीले लड्डू, मुझे पसंद है पीले पीले लड्डू, मुझे पसंद है पीली पीली टॉफियां, 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 मुझे पसंद है पीली पीली जलेबी, मुझे पसंद है पीली जलेबियां, मुझे पसंद है पीली पीली जलेबी, मुझे पसंद है पीली पीली नमकीन, मुझे पसंद है पीली पीली नमकीन, मुझे पसंद है सब कुछ सब कुछ, मुझे पसंद है सब कुछ सब कुछ। तो ये हमने कर लिया पीले रंग की राइम। और इंग्लिश में येलो कलर राइम हम पहले ही कर चुके, तो उसका मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये हो गई है पीले रंग की राइम और येलो कलर की राइम जो हम पहले बना चुके हैं, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके रख दूंगी। अरे आज शौर्य और सात्विका के हाथ में इतनी सारी क्या है? वाओ, स्माइलीज। और स्माइली भी होती है हमारी येलो कलर की। तो चलो आज हम स्माइली ही बनाते हैं। तो स्माइली बनाने के लिए हमने लिया है येलो कलर का पेपर और उसको हमने काट दिया है सर्कल शेप में, और हमने लिए है गूगली आईज और हमने लिए है लिप्स। तो चलो स्टार्ट करें बच्चों। तो शौर्य भैया लगाइए फेविकॉल की हेल्प से। हम हल्का सा लगाना, दो सात्विका को तो हल्का सा दोनों में लगा लो। हाँ, इसमें सात्विका लगा रहे हैं। बच्चों को स्माइलीज वैसे ही बहुत पसंद होती है, तो येलो कलर के क्राफ्ट में हम यही वाली एक्टिविटी रख रहे हैं। यहाँ पर लगाओ आइस। लगाओ। और ये हमारा हैप्पीनेस का करिकुलम में भी है कि हमें खुश रहना चाहिए, तो हम उसके लिए भी स्माइलीज बना सकते हैं। लिप्स भी लगा दो शौर्य पहले। अब साथ देखा मुंह बना दो मुंह में। शौर्य की तो स्माइली बन गई है।
अब शौर्य आइसक्रीम स्टिक लगाएगा ताकि स्माइली को आराम से पकड़ सकेंगे। हाँ सात्विका आप भी लगा दो लिप्स। हाँ वेरी गुड, अच्छे से लगाओ, सीधे सीधे से लगाओ। सॉरी बीच में लगानी थी आपको स्टिक उसके फेस से, देखो आगे थोड़ा ऊपर को लगाते ना जैसे वो निकले ना। वेरी गुड सात्विका, अब आप भी स्टिक लगा लो, आपकी स्टिक का है लगाओ पीछे से स्टिक, थोड़ा सा ऊपर को लगाते हैं सॉरी हमेशा ताकि स्टिक निकले ना। हाँ और ऊपर भी लगा सकते हो। दिखाओ सॉरी आपकी स्माइली, पकड़ के दिखाओ। वाह बहुत प्यारी लग रही है। और ये हमारी येलो कलर की एक्टिविटी भी हो गई है। ये देखिए शौर्य और सात्विका की स्माइली तैयार हो गई है और कितनी प्यारी लग रही है। और शौर्य सात्विका आप भी स्माइल करके दिखाओ। तो ये हम येलो कलर डे में हम ये क्राफ्ट तैयार कर सकते हैं। ये देखिए शौर्य ने सात्विका के हैंड में येलो कलर का पेंट लगा दिया है। अब सात्विका हैंड प्रिंटिंग करेंगी। शौर्य करवाइए हैंड प्रिंटिंग। हाँ अंगूठा ऊपर आना चाहिए आपका। अच्छे से, हाँ अच्छे से करो, टाइट से करो सात्विका, टाइट से करो, टाइट से। हाँ बिल्कुल आराम आराम से उठाना है अपने हाथ। हाँ वेरी गुड, ये देखिए ये हो गया सात्विका का हैंड प्रिंट। अब शौर्या आप इससे ही डक बना दीजिए बेटा, हम हैंड प्रिंट की सहायता से डक तैयार करेंगे, येलो कलर की डक। पैर बना देंगे, चोंच बना देंगे, और ब्लैक से अभी धोएंगे हाथ आपको, और ब्लैक कलर से आईज। तो दिखाओ शौर्य कैसे लग रहे हैं, ऐसे खड़ा करके दिखाओ। अभी धोएंगे, अभी धोना है सात्विका, दिखाओ। वाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो एक और भी बना सकती है सात्विका। अभी हमारे वाइट कलर के पेपर में, क्योंकि सात्विका का हाथ बहुत छोटा है तो जगह बच रही है, तो हम सोच रहे हैं कि एक और डक तैयार करते हैं। ये सात्विका का जो हैंड है बहुत ही छोटा है, अदरवाइज अगर कोई बड़ा अपना हैंड प्रिंट करेगा तो पूरे पेपर में आ जाएगा। हाँ वेरी गुड, अच्छे से बहुत ही आराम आराम से प्यार प्यार से उठाना, बहुत ही प्यार प्यार से आराम आराम से उठाओ, आराम आराम से, आराम आराम से उठाओ, आराम आराम से, आराम आराम से। हाँ वेरी गुड, अब सॉरी इसकी भी आप डक तैयार कर दो एक, तो यहाँ दो डक तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी येलो कलर की हो गई हैंड प्रिंटिंग। हमने क्राफ्ट वर्क भी कर लिया है और हमने प्रिंटिंग भी कर लिया है, हमने राइम भी कर ली है, हमने क्ले से लड्डू और जलेबी भी तैयार कर लिए। तो आज का हमारा येलो कलर डे सेलिब्रेट हो गया बहुत अच्छे तरीके से। बच्चों को भी समझ में आ गया है कि पीले रंग का जो दिन हमने बनाया है उसमें पीले रंग की क्या क्या गतिविधियाँ हमने कराई हैं। शौर्य दिखाओ किस तरीके से बनाया है आपने, दूसरा अच्छे तरीके से। हाँ कोई ना, तो ये देखिए हमारी दो डक्स कितनी अच्छी तरीके से बन गई हैं। तो हमारी प्रिंटिंग वाला वर्क भी हो चुका है, इसके साइड में हम बॉर्डर भी तैयार कर सकते हैं। कुछ बॉर्डर अगर हम तैयार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए शौर्य और सात्विका ने बना दिया है येलो कलर से डक हैंड प्रिंटिंग की सहायता से, ये देखिए।
और आज हमारा येलो कलर का डे अच्छी तरीके से सेलिब्रेट हो गया और हमने बहुत सारी एक्टिविटीज करी हैं, हमने बहुत मजे करे हैं। तो बच्चों आज आपको समझ में आ गया कि येलो कलर कैसा होता है, पीला रंग कैसा होता है। तो बाय करें फ्रेंड्स को, बाय फ्रेंड्स, बाय स्टूडेंट्स।